बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें साइंस स्ट्रीम से सीवान के मृत्युंजय कुमार ने टॉप किया है। मृत्युंजय कुमार को 96.20% अंक मिला है। इस उपलब्धि पर उन्होंने अपने माता पिता, शिक्षक और दोस्तों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रिजल्ट मोबाइल पर देखा और सबसे पहले माँ को बताया। वहीं करियर के सवाल पर मृत्युंजय ने कहा कि यूपीएससी क्वालिफाई करना लक्ष्य है। टीम को सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और बहुत खुशी हो रही है कि मैं पूरे बिहार में फर्स्ट रैंक को क्या पाइएगा। सर मेरा मैट्रिक में 471 नंबर था, बिहार में पूरे 15 और उसमें कुछ पीछे रह गया था। कोशिश थी यही कि आगे बिहार में टॉप रैंक हासिल करना है। मैं लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन मतलब लगभग मैं कभी नहीं मानता कि घंटे देखकर पढ़ाई करनी चाहिए। कोचिंग पढ़ता था चाणक्य स्टडी सेंटर में, जहां दिवाकर सर मैथ पढ़ाते हैं और अंकित सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, प्रकाश सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और साई सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। सबका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है और वहीं से मैंने उनका गाइडलाइन रहा है, उनका पूरा सहयोग रहा है। और दिवाकर आगे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट, पिताजी दुकान चलाते हैं वहाँ पर, श्रृंगार का दुकान है बढ़िया में, लेकिन अनेक भी दबाव हम पर नहीं डालते थे कि दुकान पर आओ, दुकान का काम करो, मैं घर जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमेशा से बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो, टेंथ में भी मेरा अच्छा मार्क्स आया था और बोले थे कि इंटर में इससे भी अच्छा करने की कोशिश करो। जानकारी आपको लगी कि जी मैं मोबाइल पर लाइव देख रहा था आनंद किशोर सर को, वहाँ पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि सीएम विश्वविद्यालय से आए तो मृत्युंजय कुमार फर्स्ट नंबर है, तो बहुत खुशी हुई। इसके बाद से मैं अपने माँ को, फिर भैया को, दादा को, सबको बताया। बहुत तैयारी कर रहे हैं, पूरे मन से करें, लगन से करें और टीचर की बात माने और टीचर जो गाइडलाइन देते हैं उनका पूरा फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करें। लोकल 18 सिवान से अंकित कुमार सिंह की रिपोर्ट।